साथियों, तो हम अभी भोपाल में हैं और जैसे कि आप सबको इन्फॉर्मेशन जैसे भी होती हम आपको अपडेट करवा देते हैं। पहले तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कुछ लोग, एक तो क्या है, हमारी जो आदत है वो कमेंट्स पढ़ने की है, रिस्पॉन्स जानने की है, लेकिन कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं उसमें, कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है, सोचना है, समझना है, संघर्ष को और प्रयास को देखना है। देखो, अपने हाथ में सिर्फ प्रयास है, और मैंने आपको बोला भी है कि ये प्रयास अब बहुत हो चुका है। अब हम अंतिम रूप से जून में और कर रहे हैं, जून के बाद अगर रिजल्ट मिल जाता है तो ठीक है, फिर उसके बाद अब कब तक करेंगे, ठीक है। साथियों, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पद वृद्धि का पॉइंट क्यों नहीं जोड़ा है, और पद वृद्धि का पॉइंट जोड़ना ज़रूरी है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि प्रमुख मुद्दे हैं जो चार हैं, प्रमुख मुद्दे चार आपको मैंने बताए हैं। एक तो बिना किसी कारण ओबीसी के जो नियुक्ति पत्र रुके हैं उनको जारी किया जाए, एक तो वो मेन मुद्दा है। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका हुआ है, जिनकी चॉइस फिलिंग हुई है, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग तक हो गई है, उनके नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। जो तीसरी डिमांड है वो है माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो 1696 का जो दिया था आदेश, 2 महीने का टाइम था, वो भी पूरा हो चुका है, तो उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। प्लस 525 जो पहली काउंसलिंग के ट्राइबल के जो पद बचे हुए थे तो उनको भी साथ में उसकी प्रक्रिया की जाए। चौथा जो मेन मुद्दा है वो है जो फर्जी दिव्यांग अभी तक निकले जा चुके हैं, बाहर निकल गए फर्जी, उनकी जगह, या जो भी फर्जी दिव्यांग हैं उनकी जगह वास्तविक दिव्यांगों को जॉब दी जाए या उनकी काउंसलिंग की जाए। ये सिर्फ चार मांगे हैं। अब इन चार मांगों के निराकरण के लिए सरकार चाहे पद वृद्धि कर दे या कुछ भी कर दे, वो एक अलग बात है। अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं मान लेता हूँ कि आपकी मैंने बात मान ली कि हम सिर्फ इन चारों मुद्दों को हटा के पद वृद्धि की मांग कर लेते हैं, तो क्या वो ज्ञापन हाथ में भी लेंगे, वो फाड़ के वहाँ फेंक देंगे कि हम नहीं कर रहे, हमारी मर्जी, और जो प्रक्रिया ख़त्म होगी, हम क्यों करें, हम नई भर्ती निकालेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ओबीसी के जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, ओबीसी के अभ्यर्थियों के जितने भी नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, 800 के लगभग नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, वो नियुक्ति पत्र जारी कराने के लिए, चॉइस फिलिंग करवा चुके अभ्यर्थियों के लिए, जो रोस्टर पोर्टल पे जो डला हुआ है प्रयोगशाला का 1696 का, उनके लिए, और फर्जी जो दिव्यांग बाहर हुए हैं उनके लिए, ये वास्तविक मुद्दे हैं, ये एक्चुअल में ये प्रोसेस में है, जिनमें प्रोसेस अटकी है, ये बिल्कुल मान लीजिए एक रोग है, इनको तो सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सरकार चाहे तो पद वृद्धि कर सकती है। अगर कोई इसमें भी सहमत नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, और बाकी अपने हाथ में जो प्रयास है, और मैं जो प्रयास करता हूँ वो सबको बहुत वास्तविक रूप से देखता है, और मैं करता हूँ बिल्कुल एक्चुअली, बिल्कुल मेहनत नहीं। कोई कहता है कि लेटर लिखवाना बहुत आसान है और मिलना बहुत आसान है, वो एक बार आके देख ले। देखो, हमने तो हर चीज़ देखी है, गर्मी है तो गर्मी में भी देखा है, कड़ाके की खूब दवा के गर्मी पड़ती है उसमें भी हमने अपने आप को मैनेज किया है, खूब गर्मी झेली है, और खूब बरसात भी होती है तब भी हमने आपको झेला है, और सर्दी होती है तब भी अपने आप को खूब झेला है ना। तो हमारा है वो मैनेज करने का, मैनेज कर लेते हैं, भूखे दिन भर में रहें, शाम तक खाना मिले ना मिले, वो सब मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई संघर्ष की बात, और हम जो संघर्ष करते हैं ना, वो सिर्फ दिखावटी नहीं होता, वो हकीकत में होता है, क्योंकि हमारे लेटर्स और मिलना बिल्कुल वास्तविक तरीके से होता है, नहीं कोई मिल के दिखाए और जाए और कहे और करवाए तब तो हम जाने, लेकिन ऐसा सिर्फ कमेंट में होता है, जो लोग कमेंट करते हैं वो नहीं आ पाते। तो हम हैं जो प्रयास एक्चुअल में करते हैं, और एक्चुअली देखो, मेरा तो खुद का जुनून है, किसी का दबाव नहीं है मुझे, कोई किसी से मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसी वाली नहीं है, लेकिन मेरा खुद के अंदर के जुनून है। कितनी गर्मी में हालात ख़राब हो रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे टाइम से, पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, नई मंत्री मिल रहे हैं तो पैदल भागना पड़ रहा है, ऑटो करने पड़ते हैं उल्टे सीधे, तो किस लिए करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दिया चार प्रमुख मांग हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको आज का बता दूं, पूरा वीडियो तो आपने देख ही रहा है और आप सुन लो, कि अभी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, अभी वल्लभ भवन से माननीय शिक्षा मंत्री से मिल के आया हूं मैं, तो उन्होंने कहा है कि हम, आप 4 दिन पहले हमसे मिलने आए थे, आज आप शुभकामनाएं देने आए, अच्छी बात है, हम एक्सेप्ट करते हैं। साथ में हमने इस प्रक्रिया के लिए, जो आप 4 दिन पहले आए थे,
हमने पूरा संज्ञान में लिया है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मतलब वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की पूरे कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, जो नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, जिनके प्रोसेस रुकी हुई है, उनको रोक के ही रखा जाए, उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और निराकरण का हल कुछ भी हो सकता है, मैं पद वृद्धि कहूँ मतलब, या कुछ और भी कहूँ कि कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। सॉल्यूशन निकालेगी गवर्नमेंट, सरकार, मंत्री जी और विभाग। उनको कैसे निकालना है, कैसे नियुक्ति पत्र जारी करने हैं, कैसे पद बढ़ाने हैं, क्या कुछ करना है, ये उनके ऊपर है। फ्रेश मांगे सिर्फ चार हैं, अगर कोई दिमाग में रखे तो वो हटा दे। चार फ्रेश मांगे हैं जो मैंने आपको कई बार दोहराई हैं, हर बार दोहराई हैं। उनके लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, पद बढ़ा दे या कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाले, या डायरेक्ट नियुक्ति पत्र जारी कर दे, या कुछ भी कर दे। अपना है हक मांगना, अधिकार मांगना, अपना हक के लिए लड़ना, बस वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और वास्तविक मुद्दे हैं उनको उठाना ही सही बात रहती है, जिससे कुछ हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आज हम इंद्र सिंह परमार जी के जो उच्च शिक्षा मंत्री जी वहाँ आए हैं, तो वहाँ भी आके हमने मतलब लिखवाया है। और जो ओ एस जी सर हैं जो उन्होंने लेटर लिया, और हमने कहा था सर कि आप एक बार, अब आपके हाथ में तो कुछ है नहीं हमारा प्राथमिक शिक्षक का, उच्च माध्यमिक का, क्योंकि आप उच्च शिक्षा मंत्री के हैं और वहाँ का जो भी मैटर होगा उच्च शिक्षा का वो भी आप देखेंगे। आप तो प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का तो मतलब स्कूल शिक्षा का नहीं देखेंगे, आप उच्च शिक्षा का देखेंगे। तो आप सर कम से कम आपके यहाँ से तो हम गुजरे हुए हैं, मांगे आपके यहाँ हमने बहुत की हैं, तो आप एक काम कर दीजिए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि एक बार वो लेटर लिखें या कुछ लिख के दें, तो हम तो हमने वो भी आज हमने OID सर से लिखवा लिया है। ये प्रूफ आप हम देखेंगे, हमने अभी आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो हमने काम वो किया है जो एक्चुअल में वास्तविक काम है, ठीक है, हमने वो भी करवा लिया। अब जरूरत पड़ेगी जब भी हमें शिक्षा मंत्री जी कहेंगे हम वो दे देंगे जाके। तो हम जो है वास्तविक कर रहे हैं और बाकी देखते हैं जो क्या होता है, लेकिन कोशिश अपने हाथ में। और तीसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट वगैरह क्यों नहीं हो रहा और ये बाकी चीज़ें क्या चल रही, तो अभी हम मैं आपको बता दूं कि वर्ग एक के जो सर हैं उनसे मेरी कल या परसों में चर्चा होने वाली है, इसलिए मुझे रुकना बहुत ज़रूरी है। तो कल परसों में जैसे फाइनल हो जाए, अगर वो सहमति व्यक्त करेंगे कि हमारे साथ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर वो कहेंगे नहीं कर सकते तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो प्रयास है वो कभी बंद नहीं होगा, जून के महीने में लगातार चलेगा जब तक हमारी प्रोसेस चालू नहीं हो जाती। मतलब हम चार चार की संख्या में, दस दस की संख्या में आते जरूर रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बिना अनुमति के, बिना इन्फॉर्मेशन के हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये भी फाइनल है। तो हम पहले तो देखते हैं कि वर्ग एक के साथ क्या होता है, हम उनके साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनका मत क्या है और वो किस रूप में देखते हैं, पहली बात तो वहाँ से फाइनल होगी। हाँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम अपने स्तर पर जैसा प्रयास है वैसा हम फिर ज़रूर करेंगे। और अपने साथ ही हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के कम से कम 100-200 लोग तो एक्टिव होंगे, तो हम कम से कम 10-10 लोग, 5-5 लोग हर दो दिन चार दिन बाद हर रोज़ अपनी मांग उठाएंगे, ठीक है। तो प्रयास जारी है, बाकी फाइनली क्या होता है, ठीक है। मुद्दा अब वास्तविक मुद्दे, अब तो कुछ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हम वास्तविक मुद्दों को उठा रहे हैं जो रियल में हकीकत में मुद्दे हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, पॉजिटिव सकारात्मक रहना है हमें। संघर्ष में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है 100%, इसीलिए, ठीक है साथियों। बाकी 2 साल से हम जितने झेल रहे हैं हर चीज़, बाकी सब लोग तो घर पे रहते हैं, काम करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो बेरोजगारी में कितना कुछ झेल रहे हैं और कितना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, कितना कुछ घर वालों की भी सुननी पड़ती है उल्टी सीधी, ठीक है, सबकी सुननी पड़ती है। बेरोजगार रहते हैं तो फिर कुछ खुद के लिए भी कुछ नहीं रहता, खुद को मैनेज करने के लिए भी कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य है अभी कि अपने इस भर्ती प्रोसेस में अपनी सबकी, जो इस प्रोसेस के अंडर आते हैं उन सबकी ज्वाइनिंग मिले, उन सबका हक मिले, ठीक है। धन्यवाद। बाकी मुझे और कहीं और भी जाना है और भी कोशिश करनी है, और बाकी चीज़ें आप बाकी आपको फिर बताते हैं, ठीक है साथियों। धन्यवाद।